हुई है, एनडीए फिर से आई है, क्या लगता है सर फार्मर्स को लेकर सर कुछ अच्छा डिसीजन होगा? फार्मर्स को लेकर अच्छा डिसीजन होगा, बात रखते रहे हैं हर बार। देखो हमारी तरफ से तो हम बात रखेंगे और अब तक काफी अच्छा किया है पिछली गवर्नमेंट ने, इस बार भी करेंगे। महाराष्ट्र में सिचुएशन अच्छी नहीं रहती फार्मर्स की, कई सुसाइड केसेस बढ़े हैं, क्या लगता है कि इस बार जो गवर्नमेंट ने? अभी कम है लेकिन हो जाएगा हिस्सा हिस्सा। देखो हम एक आम आदमी होने के नाते हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, बाकी देखेंगे। एक जरूर सवाल, कंगना रनावत के साथ सर मिसबिहेव हुआ, बॉलीवुड पर्सनालिटी है, कहा थप्पड़ भी मारा सीआईए चंडीगढ़ नहीं मुझे मालूम, गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सर नई गवर्नमेंट बना रहे हैं, कोई विशेष देना चाहेंगे पीएम को? कुछ नहीं, अच्छा काम करेगी आशा करते हैं, बेहतर होगा हमेशा, हमें कभी निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, होगा अच्छा होगा, अभी अपोजिशन भी तगड़ी है तो काम दोनों मिलकर अच्छा करेंगे। बीते 10 साल के तुलना में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे इस वाली सरकार को फोकस ज्यादा करना चाहिए? यार ऐसे होता तो मैं नहीं राजनीति में चला जाता, हमको कहा, हमको जो आता है वो हम करने की कोशिश करते हैं, जो किसानों के बारे में जो जल संवर्धन का जो काम है, जल संधारण का जो काम है वो कर रहे हैं, और हम समझते हैं हर कोई अपने ताकत के हिसाब से अगर काम करेगा तो बेहतर होगा। किसी को नाम रखना, किसी को गाली देना बहुत आसान हो जाता है, हमारी औकात है, ताकत है, उससे हम इंडिविजुअल काम करते रहेंगे तो बेहतर होगा। महाराष्ट्र में भी सर चुनाव होने हैं, उसके लिए भी आप लोग? अब देखो चुनाव कौन से भी आएगा, हम सबको क्या कहेंगे हाथ जोड़ के भाई हम किसानों के लिए हमारे काम करो, जो मुआवजा है कि हम 100 रुपया खर्च करते हैं किसान होने के नाते तो उसका 150 रुपया मांग रहे, ज़्यादा तो मांग नहीं रहे, हर चीज़ के दाम बढ़ गए, सिर्फ हमारी जो लोन माफी की बात होती है किसान को सस्ते दरों पर लोन माफ हो जाए, खाद मिले, लोन माफ से ये हमको एक बार ये तय हो जाए ना तो हम लोन माफ करने को नहीं बोलेंगे, एक बार हमको ये तय कर लो कि हमारा जो मुआवजा है 100 रुपया खर्च करते तो 150 रुपया दे दो, हम आपके पास उसके बाद कुछ नहीं मांगे। एमएसपी भी रहेगा सर, एमएसपी को लेकर काफी सवाल उठाए किसानों ने, एमएसपी नहीं मिला है, अब देखते हैं यार बात करेंगे, जब तक कुछ करता नहीं है तब तक बोलना मुनासिब नहीं होकर बोलते रहे इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं मैं अभी मैं आया हूँ तो मैं कुछ बात करूँगा, यहाँ जाते वक्त शायद मैं आपको ज्यादा विस्तृत स्वरूप में बोल सकूंगा मैं। ओके थैंक यू बेटा।